स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर 8 ग्रेविटेशन। आज के डिस्कशन में रहेगा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पार्ट 6, पार्ट 1 से पार्ट 5 ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है, उनका लिंक हमारे चैनल में अपडेटेड है, प्लीज उनको पहले देखें फिर पार्ट 6 को देखें। आज का डिस्कशन आरंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिलता रहेगा जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 8.11। फॉर द above problem, the direction of the gravitational intensity at an arbitrary point P is indicated by the arrow 1 D 2 E 3 F 4 G। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 10 का फिगर देखना पड़ेगा और ये पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कहां पे, एट आर्बिट्री पॉइंट पी पे क्या होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, जी होगा, क्या होगा इनमें चारों ऑप्शन में से। तो फिर से देखते हैं, ये है पी, ये पी है, तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस पी पॉइंट पे। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए सेम उसी तरह का कंसेप्ट है जो हमने लास्ट सम में किया था, वो सेम कंसेप्ट है। तो लास्ट सम का तो 8.11, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये मान लीजिए एक स्फेरिकल सेल है, किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसको हम V कहते हैं वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे ये कांस्टेंट होगा। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं डीवी बाई डी आर विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो डीवी बाई डी आर ये क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, राइट हैंड साइड में इसका जीरो हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव, ये मान लीजिए नेगेटिव साइन दोनों साइड बैठा देते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव ही क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कहलाता है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, जी आई कर लीजिए इसको, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कहलाता है। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। दिस, तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा किसी भी पॉइंट पे स्फेरिकल सेल में, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, सिमेट्री। ये सिमेट्रिक हो जाएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारे केस में फुल स्फेयर नहीं है, हमारे केस में क्या है कि इस स्फेयर को यहां से अलग कर दिया गया है, ये है, ऊपर के भाग को हटा दिया गया है तो सिर्फ नीचे के भाग को रखा गया है, ठीक है। अब यहां पे एक पॉइंट बना हुआ है, यहां पे वो पूछ रहे हैं ये पॉइंट पी है। अब यहां पे पूछ रहे हैं कि भाई इन ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पे इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये जी है, ये डी है, ये एफ है और ये ई है, तो इनमें से कौन सा डायरेक्शन होगा। तो अब पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। अब क्या है, हाफ ऑफ द स्फीयर जो लोअर हाफ है इसका नेट ग्रेविटेशनल फोर्स किसी पॉइंट पी पे, मान लीजिए कोई पार्टिकल रखा हुआ है, तो वो कहां पड़ेगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पड़ेगा, डाउनवर्ड बोले तो ये ई डायरेक्शन पड़ेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एट एनी टाइम ई डायरेक्शन पे पड़ेगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स सिंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में पड़ेगा तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास एट दैट पॉइंट। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का यदि हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स पर यूनिट मास, अब ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड ही होगा, तो आंसर होगा हमारा ई, किधर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ई। तो आंसर आंसर टू ई, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8.12। A rocket is fired from the earth towards the sun. At what distance from the earth's center is the gravitational force on the rocket is zero? तो एक रॉकेट अर्थ से सन की ओर छोड़ा जा रहा है, तो अर्थ के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू, रॉकेट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो पड़ रहा है उसकी वैल्यू जीरो होगी, कितने डिस्टेंस पे। मास ऑफ द सन दिया गया है 2 × 10⁻³० kg, मास ऑफ द अर्थ दिया गया है 6 × 10⁻²⁴ kg, Neglect the effect of other planets and orbital radius is given 1.5 × 10⁻¹ⁱ meter. ठीक है, चलिए इसका डिस्कस करते हैं। 8.12 हम लोग सबसे पहले जो चीजें दी गई है उनका उनको लिख लेंगे। मास ऑफ द सन ये गिवन है तो लिख लेंगे इसका वैल्यू,
टू इंटू 10 to the power 30 kg। मास ऑफ द अर्थ ये भी गिवन है, तो इनका वैल्यू भी लिख लेंगे, 6 into तो मास ऑफ द सन ये गिवन है 2 into 10 to the power 30 kg। मास ऑफ द अर्थ ये भी गिवन है 6 into 10 to the power 24 kg। रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस आर ये भी गिवन है 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। मास ऑफ द रॉकेट नहीं पता है हमें, गिवन नहीं है मास ऑफ द रॉकेट। इसको मान लेंगे एम, ठीक है। तो अब ये मान लीजिए ये है अर्थ ई और ये है सन, ये सन हो गया एस। अब अर्थ से हमने एक रॉकेट छोड़ा यहां पे, अर्थ का सेंटर मान लीजिए ये है, यहां से आया ये एक्स डिस्टेंस तक गया, और एक्स डिस्टेंस में यहां पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये पॉइंट है मान लीजिए पी। इस पॉइंट में ग्रेविटेशन फोर्स इस रॉकेट पे जीरो हो जाता है, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स जीरो हो जाता है, ठीक है। अब ये पूरा डिस्टेंस जो है ये मान लीजिए आर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाए, ये तो एक्स है, अर्थ के सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस एक्स, ठीक है। अब तो यहां पे ये जो फिगर में हमने बनाया है इसको थोड़ा लिख लेंगे, लेट एक्स बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन सैटेलाइट पी बिकम्स जीरो, ठीक है। अब फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी कैन इक्वेट ग्रेविटेशनल फोर्स
एक्टिंग ऑन सैटेलाइट। पी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द सन एंड द अर्थ। एज तो यहां पे अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हम लोग इक्वेट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को सैटेलाइट पी पे जो लग रहा है। तो सैटेलाइट पी अब सन के भी इन्फ्लुएंस में है और अर्थ के भी इन्फ्लुएंस पे है, तो दोनों से जो लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इक्वेट करेंगे। लॉ कौन सा होगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम उससे लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बाय सन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स और इन्फ्लुएंस बाय अर्थ। तो इसमें इसका क्या हो जाएगा, जी एम मास ऑफ द सैटेलाइट मास ऑफ द सन अपॉन आर माइनस एक्स डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द सैटेलाइट। अब इसको समझिए अच्छा से, ये सन है तो यहां पे पी पे ग्रेविटेशनल फोर्स सन के द्वारा कितना लगेगा, वो लगेगा जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द रॉकेट और मास ऑफ द सन, क्यों सन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, और डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड सन वो कितना है, वो है आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। उसी तरह अर्थ का इन्फ्लुएंस कितना लगेगा, वो लगेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी मास ऑफ द सैटेलाइट मास ऑफ द अर्थ और डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट का स्क्वायर। तो ये दो फोर्सेस, ये दो इन्फ्लुएंस या ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में इक्वल होंगे, कहां पे Fs इज इक्वल टू Fe, कहां पे पॉइंट P पे, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे जीरो है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को नेगलेक्ट इक्वेट कर रहे हैं, इसलिए यहां पे इसका जीरो है, तो हम इक्वेट कर लेंगे। तो जी अर्थ का हम लिख देते हैं, जी मास अर्थ अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमारा तो मैक्सिमम चीजें कट गई, जी जी कैंसल आउट हो गया, एम एम कैंसल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास, बचा एम एस अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचा, और क्या बचा, एम ई अपॉन एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एम एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एम ई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एस अपॉन एम ई। ठीक है,
अब इसके बदले में हम लिख सकते हैं आर माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एम एस और एम ई की वैल्यू हम बैठा देंगे, वो हो जाएगा 2 × 10⁻³० सन का मास, और 60 × 10⁻², ये है अर्थ का मास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं आर माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको स्क्वायर को हटा दिया तो इधर आ गया रूट। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 577.35। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं, आर की वैल्यू हम बैठा देंगे यहाँ पे 1.5 × 10⁻¹ माइनस एक्स, और यहाँ पे 577.35 एक्स, ये मल्टीप्लाई हो गया इधर आके, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 × 10⁻¹ इज इक्वल टू, ये एक्स इधर आ गया प्लस 577.35 एक्स। तो इस पूरे को हम ऐड करेंगे और इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, और इस चीज को हम वापस से इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 577.35 एक्स 1.5 × 10⁻¹। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 × 10⁻¹ अपॉन 578.35। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.59 × 10⁸ मीटर। ये है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.13 और 8.13। हाउ विल यू वे द सन दैट इज एस्टिमेटेड इट्स मास, दैट इज एस्टिमेट इट्स मास, द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड सन इज 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। तो यहां पे सन का वेट हम कैसे निकालेंगे, मतलब सन का मास आप कैसे निकालोगे। इसका मीन ऑर्बिटल रेडियस की वैल्यू हमें दी गई है, वो कितना है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले सन का वेट निकालने से पहले हम में कौन से वैल्यू नोन है वो पता करते हैं। तो ऑर्बिटल रेडियस नोन है हमें, आर की वैल्यू दिया गया है 1.5 × 10⁻¹ मीटर, ये ऑर्बिटल रेडियस नोन है। हमें ये भी पता है कि टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 365.25 डेज, ये भी हमें पता है। अब इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे करेंगे, 365.25 को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, 24 आवर्स इज इक्वल टू वन डे, इतने डेज को आवर्स में पहले कन्वर्ट किया, फिर इतने आवर्स को, ये आवर्स में आ गया,
ये आवर्स में आ गया, इसको मिनट में कन्वर्ट किया, 60 से मल्टीप्लाई किया, ये मिनट में आ गया। अब ये इसको फिर सेकंड में कन्वर्ट किया, 60 से फिर से वापस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये हो गया सेकंड, ये भी पता है। अब हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू भी पता है, वो कितना है, 6.67 × 10⁻¹¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस टू, ये भी पता है। अब एक रिलेशन है जिस रिलेशन से हम मास निकालेंगे, वो रिलेशन क्या है, एम इज इक्वल टू कैपिटल एम, यहां पे कैपिटल एम दैट मीन्स मास ऑफ द सन इज इक्वल टू 4π² r³ अपॉन जी टी स्क्वायर। अब यहां पे ये जो फिजिकल यूनिट्स क्या क्या है, एम एस क्या हो गया, मास ऑफ द सन है, 4π² ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, अब r³ क्या है, ऑर्बिटल रेडियस का पावर 3, जी क्या है, डिनोमिनेटर में जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, टी क्या है, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रोटेट टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ द सन, वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन। तो इन इन सारे चीजों की फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू हम बैठा देंगे, तो 4π² r³ r³ 1.5 × 10⁻¹¹ होल क्यूब अपॉन 6.67 × 10⁻¹¹ मल्टीप्लाई बाय 365.25 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये वैल्यूज सारे वैल्यूज को हमने बिठा दिया और इसका स्क्वायर है, टी की वैल्यू है और इसका स्क्वायर है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारा आ जाएगा 133.24 मल्टीप्लाई बाई 10, डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 6.64 मल्टीप्लाई बाई 10⁴। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 2.0 × 10³³ kg, हेंस द मास ऑफ द सन इज 2 × 10³³ kg, मास ऑफ द सन इतना है, ठीक है। आज के क्लास में बस यहीं तक रखते हैं। आज के क्लास समाप्त करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को सब्सक्राइब करें जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हमारे YouTube चैनल हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, थैंक यू।